सीएम की। जी हाँ, इसलिए क्योंकि चुनना ही मुश्किल हो रहा है, उसके बाद चलाना भी आसान नहीं होगा, ये बात तो तय दिख रही है। सचिन पायलट के समर्थक कल जयपुर में सड़कों पर थे, आज दिल्ली में, देश की राजधानी में वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर आ चुके हैं और लगातार आप देख सकते हैं इस समय यहाँ नारेबाजी चल रही है। ये सचिन सचिन के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, देखिए। और ये पार्टी आला कमान तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश है कि भाई सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाइए। सचिन पायलट पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाए गए थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी जिसको उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक निभाते हुए पार्टी को यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उभरने में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ कमलनाथ, उनको भी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की कमान सौंपी गई थी, वहाँ माना जा रहा है कमलनाथ पहली चॉइस है मुख्यमंत्री के लिए, तो यहाँ अशोक गहलोत पहली चॉइस है मुख्यमंत्री के लिए। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे आशुतोष, कमलनाथ के लिए एक ये कहा गया कि देखिए ये तो 84 के दंगों के दागी हैं, टेंटेड आदमी को कैसे कमान सौंपी जा रही है। अब सचिन पायलट के लिए भी कहा जाने लगा है कि इनके पूर्वज तो जो है उत्तर प्रदेश के थे रहने वाले, ये तो बाहरी हैं, इनको कैसे आप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे सकते हो। देखिए राहुल, रोहित, अगर एक बार अगर आप चुनाव लड़ लें तो आपके 20 पीढ़ियों के में क्या क्या गड़बड़ियां थी और क्या क्या गलत चीजें हुई हैं, किसका किससे क्या अफेयर था, किसने किसकी जमीन छीनी, किसने किसको गाली दी, कहां आपने गलत सर्टिफिकेट लगाया, ये सारा आपके सामने आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राजनीति में ये राजनीति का जो सबसे सबसे घृणित कहें, सबसे गलत स्वरूप यही है कि जहाँ हित इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रखर हो जाते हैं कि सामने वाले की गरिमा का, मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, और इसी वजह से जो नज़ारा भी नज़र आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ये इसी ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हितों का टकराव बड़ा हो गया है और वहाँ की जो केंद्रीय सत्ता है वो इस बारे में दो टूक फैसला करने से फिलहाल अभी बच रही है। चलिए देखते हैं राहुल गांधी इससे कैसे निपटते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी की परीक्षा इसी बात को लेकर है कि वो अपने अंदर, पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसको कैसे मैनेज करते हैं, उससे कैसे पार्टी को बाहर निकाल के लाते हैं। बड़े कांटे हैं सत्ता की डगर में। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, लगातार कवरेज आज तक पर जारी है।